शहर की सोमवारी स्थित शहीद शाहू बगीचा बदहाली में है। इस बगीचे में ना तो सुरक्षा रक्षक है और ना ही रेलिंग, जिस कारण कोई भी गंदा कचरा डालकर चला जाता है। इस बगीचे में ग्रीन जिम तो है, मगर वो भी टूटी फूटी है। पिछले 10 सालों से यहाँ का विकास नहीं हुआ है। मनपा और NIT की ओर से शिकायत करने के बावजूद अभी तक यहाँ की जनता को न्याय नहीं मिला है। यहाँ की जनता ही खुद यहाँ की सफाई करती है। जनता ने BCN टीम को बताया कि उन्होंने इस बात की शिकायत नगर सेवकों से भी की, मगर कुछ नहीं हुआ। मनपा अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा नाम मुकेश साहू और ये शहीद राजेश साहू गार्डन है, उसका ही मैं छोटा भाई हूँ। और ये गार्डन की समस्या भी आप लोग देख लो कैसी है क्या है करके। इसके पहले मैंने कई बार तत्काल किया हूँ NIT में, कॉरपोरेशन में। हाँ, नागशाही सोमारी काटर का पुराना गार्डन है, 15-16 साल हो गए गार्डन को। इसके बाद में गार्डन का देखो, इसके बाद में नए गार्डन में नगर सेवक ने इतना उद्धार किया, इतना बनाया है, लेकिन ये गार्डन के पीछे क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? कितनी बार एप्लीकेशन देखिए, मैं सब हर चीज़ कर चुका गार्डन के बारे में, लेकिन कोई उद्धार नहीं हो। यहाँ पर मैंने मोहन भाऊ मते अच्छा जी सबको कंप्लीट दे चुका हूँ, लेकिन किसी ने गार्डन का उद्धार नहीं किया। गेट टूटा हुआ है, कुएं की खस्ता हाल है, गार्डन के झूले टूटे हुए हैं, ये बग्गड़ उगड़ ये सब 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 चीज़ की समस्या। बच्चों के झूले की सामग्री टूटी हुई है, इंस्ट्रूमेंट जो लगा हुए बस एक बार लगा के गए टूटे उठे है। और सब आप चेक कर लीजिए क्या क्या समस्या है इसके बारे में, बहुत भरपूर समस्या है। गेट टूटा हुआ है, शहीद राजेश्वर के नाम से गेट टूटा हुआ है और ये बहुत सी प्रॉब्लम है इसमें। इतना नगर सेवक को हर चीज़ हर किसी को बता गया, लेकिन ये मालूम गार्डन के बारे में कोई दुर्लक्ष्य करते, कोई देता ही नहीं। नगर सेवक बोलता है यहाँ पे मेरे होट नहीं है, मेरा काम नहीं है, ये NIT की तरफ है, NIT बोलती है कॉरपोरेशन की तरफ है, ये सबकी समस्या है। बाकी और ये आप सब देख रहे हैं, सब खाल गेट का सा दिखा पड़ा हुआ है। और अभी बाकी जो जनता भी है, बाकी आप सब लोगों से बस्ती के ना सब लोगों से नहीं, ये सब पुरानी बात है, कोई खेला नहीं जाता है। नगर सेवक की बात है कि जुआ खेला जाता है, दारू पिया जाता है, ऐसी कोई समझते नहीं यहाँ पे। हम यहाँ पे सबको अकालते हैं यहाँ पे, ये सब पुरानी बात है। एक बार किसी ने देख लिया तो वही बात दोहराई जाती है कि यहाँ पे जुआ ना खेला जाता है, दारू पी जाती है, कि ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। यहाँ पे बाकी की हम आते हैं सुबह, हमने अपने हाथ से यहाँ पे सब सफा सफा कर चुके हैं। हमारी 11-12 लोगों की टीम है यहाँ पे और हम खुद यहाँ पे कचरा उचरा बग्गड़ पानी का कुएं की सफाई ये सब हम कुछ यहाँ पे सब कर चुके हैं। मैं गोपाल तिवारी यहाँ का गार्डन के सामने का रहने वाला हूँ। मैं करीब बचपन से इस एरिया में रह चुका हूँ और मैंने यहाँ पर जो इसके पहले भी शिकायत वगैरह किए थे, पुलिस डिपार्टमेंट से शिकायत किए थे, पुलिस वाले बोलते थे हम ठीक है। हमने डेपुटेशन भी मिला पुलिस स्टेशन में जाके सखदरा में, हमने राइटिंग में लिख के दिया उनको कि यहाँ पर यानी अतत्व के लोग आते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ये सब पुरानी बातें थी। अभी तो उस वो अभी दो चीज़ें थोड़ी कम हो गई हमारे इसमें, पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉक नहीं है, लॉक तो है भी नहीं। और दूसरी बात के लॉक नहीं रहने के बाद हम स्वयं मैं खुद यहाँ के जो भी लोग आते हैं दिन भरे में, मैं तो रिटायर आदमी हूँ, मैं तो दिन भर खड़ा रहता हूँ, मैं देखता हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है किस प्रकार से रहते हैं। मैं यहाँ पर वर्तनुक भी ऐसी बिगड़ गई, ये तो ये अभी तो एक ही जोड़ा दिखा आपके सामने, ऐसे कई जोड़े रहते रात को 11-11 बजे तक 11:30 तक परिसर के लोग भी डालते हैं। मैंने वो अभी हमने मना कर दिया उनको, अभी डालना कम हो गया है। मगर यहाँ की गाड़ी आती है तो गाड़ी में जो डालने वाले डालते हैं, मगर आप गेट के बाजू राजेश साहू गार्डन है का गेट है जो, तो गेट के बाजू में बस्ती के लोग कूड़ा कचरा डालते थे, कूड़ा कचरा डालते हैं, नगर सेवक को तकरार करते, नगर सेवक बोलते हैं गाड़ी आती है ना तो गाड़ी में तो उतना जा नहीं सकता है, जाता नहीं, जितना आता उतना भर लेते और वैसा वैसा आधा पड़ा रहता है। और शिकायत ये थी अगर रेलिंग भी नहीं, यहाँ पर गेट भी टूटे हैं और साइड के तार टूटे, गाड़ी की दुर्दशा हो गई है। हाँ, यहाँ से मच्छरों का अभी तो मच्छर आने के ही और मच्छर बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार की सारी शिकायत भी है। और साथ साथ परेशानी एक ही है आपको कि यहाँ पर कोई आके नहीं देखता, ना नगर सेवक आता है, हमने क्या नाम उनका अपना नहीं मोहन मते तो आमदार है, नहीं वो अपना आयुक्त को जो अपने कमिश्नर को रिपोर्ट दिए चौप घरे साहब को हमने खुद बोला, वो बोला आपको पर्सनल मैं आऊँगा विजिट करूँगा, मगर वो भी अभी तक नहीं आए। हमने दो बार रिक्वेस्ट की है उनको कि भाई आप आइए और कम से देख लीजिए आपका आंखों से सामने ये NIT का गार्डन है। हाँ, कॉरपोरेशन के सब लोग देखते वहाँ पर सब झूले टूटे, कुछ कीमत ही नहीं यहाँ पर, और हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। और बाहर के लोग आके आते हैं हमको सारे डराते हैं, फिर हम तुम क्या करोगे। ये कम से कम अभी एक साल के ऊपर हो रहा है कि यहाँ पे गार्ड नहीं है, एक साल के ऊपर हो रहा है गार्ड नहीं है, यहाँ पर माली नहीं है, सब साल भर के ऊपर हो रहा है।
और हमने सुना है कि इसको मंथली इसका मेंटेनेंस खर्चा कॉरपोरेशन देती है, तो वो जाता किधर है? फिर यहाँ पर लगता नहीं है पैसा, लगता तो ये ऐसी व्यवस्था होती नहीं थी। तो हम तो ये मांग पहले पूछना चाहते हैं कि इसका जो मंथली पैसा निकलता है तो वो यहाँ पर लगाया क्यों नहीं जा रहा है? दूसरा, ये गार्डन के जो वॉल कंपाउंड जो आप देख रहे हैं, ये वॉल कंपाउंड के अंदर में पूरा फेंसिंग टूटा हुआ है, इसकी वॉल डैमेज हो चुकी है, जिसके कारण बच्चे लाके कचरा यहाँ पे डाल रहे हैं। बड़े लोगों को तो हम समझ लेते हैं क्योंकि आजू बाजू वाले मना कर देते हैं, लेकिन बच्चों को तो रोका नहीं जा सकता ना, वो आग मूछ ले करके डाल देते और चले जाते हैं। तो आपने पिक्चर लिया है उसका वाला कचरे का, ये कचरा है क्या गार्डन है? इसके दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे जहाँ पर सीमेंट का गेट है, वो सीमेंट गेट के शाहू सीमेंट का गेट बना हुआ है, शाहू के शहीद शाहू के नाम से, उसके सामने में आपको पूरा कचरा देखेंगे। आप वहाँ पे भी जाकर कैमरे से आप फोटो लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी खेलने की जो चीज़ें, जो भी जितनी भी खेलने की जो चीज़ें है बच्चों की, उसके अंदर में सब डैमेज हो चुका है। वो सब नवीन, इस मतलब कुल मिला के इस गार्डन का नवीनकरण की जरूरत होगी है। यहाँ के जो झाड़ है बहुत पुराने हो गए हैं और ये नष्ट अवस्था में आ गए हैं। इसको मतलब प्लांटेशन करना चाहिए, वृक्षारोपण यहाँ पर होना चाहिए, तो वो सब कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। पिछले 10 साल से यहाँ पर वृक्षारोपण नहीं हुआ है। हमने नहीं कहा इसके बारे में, कई नेता लोगों को बुलाए, नितिन गडकरी हमारे बचपन में यहाँ पर आते थे पैजामा कुर्ता पहन के और विजय सुपर पहन के आते थे, हमने उनके लिए कैनवासिंग किया सोमवारी काटर के अंदर। वो कहते अपना कुंती गुरु जी थे, अपने कुलकर्णी गुरु जी, उनके साथ में हम रहे हुए हैं, हमारी उम्र अभी 60 के ऊपर हो चुकी हुई है। तो लेकिन ये भी हमने हमारा सपोर्ट तो ले लिया, हमारी मदद ले लिया, लेकिन हमारे गार्डन को मदद करने के लिए ना मोहन मत्ते तैयार है, ना नितिन गडकरी तैयार है, ना आजू बाजू के प्रभाग के 3 नगर सेवक है, वो भी इस पर अंदर में मदद करने के लिए शामिल नहीं है। ऐसी दुर्दशा है सोमवारी काटा शाहू गार्डन की हो चुकी है। तो हम लिखा से और शहर के कलेक्टर से विनंती करते हैं, नम्र विनंती करते हैं कि इस गार्डन के तरफ में वो पूरा का पूरा ध्यान लगा के इसका नवीनीकरण जल्दी से जल्दी करके हमारे को दे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़, नागपुर।